सच में नॉर्मली भी जब मैं इससे नहीं भी मिली थी मुझे तब भी ऐसा कभी फीलिंग आई नहीं कि मुझे एक भाई की जरूरत है। आई फील इट इज रक्षाबंधन, तो वो रक्षा तो मेरे पापा भी मेरे करते हैं, तो उनको मानती हूँ। मेरी छोटी बहन मुझे राखी बांधती है। सानी को मैंने ई गिफ्ट दिया था जब मैं छोटी थी, वो भी मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने अपने स्कूल जाती थी ना तो क्लास में सबसे 10-10 रुपए चंदा लिया था और इससे गिफ्ट सानी को गिफ्ट दिया था। जब मैं इशारों में कर रही थी वहाँ पे, मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक सबको सेट पे राखी बांधी थी, क्योंकि वो शो में मैं छोटी हुई थी, मेरे 3 भाई थे जिसमें से एक हमारा विक्की था। मैं हूँ सुम्बुल तौकीर और ये और उनका स्टोरिया। यस, और जैसे कि आप सबको पता है कि रक्षाबंधन है आज, और मेरा रियल लाइफ में कोई भाई तो है नहीं, तो मैंने इसको पिछले 1 साल से भाई माना हुआ है। तो मैंने सोचा आज इसको राखी बांधी जाए। ज़्यादा ही भाई मान दो, एक दिन की दो दूसरी राखी है ये मेरी। एक सीन में बांधी थी, अभी एक रियल लाइफ में मेरी तरफ से। ओके, तो पकड़िए। कैश थोड़ा मेरे पास रूम में है। अरे देख, मैं भूल गई थी। देता हूँ ना, अभी ऑन द स्पॉट नहीं है मेरे पास। मैं तो भूल ही गई मैंने क्यों उसका फायदा नहीं उठाया। प्यार है इसको देने को। ओ मत, अपने पास रख, नहीं चाहिए। थोड़ा सा आई वांट मटेरियलिस्टिक चीज है। मटेरियल राखी। हाँ, राखी दी तो उसके बदले में कुछ भी ऐसा चाहिए ना जिसको मैं छू सकूं। या सबसे पहले होता है कि आज के दिन आपको रियली मिस होता है कि आज मेरा काश भाई होता। अब ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। होता है कभी, कोई कसर छोड़ी है हमने नहीं ऐसा यार। मुझे सच में नॉर्मली भी जब मैं इससे नहीं भी मिली थी मुझे तब भी ऐसा कभी फीलिंग आई नहीं कि मुझे एक भाई की जरूरत है। अभी ये है तो ये अभी मेरा क्या बोलूँ, पूरा ध्यान रखती है। नहीं नहीं, मैं इसका ध्यान रखती हूँ। ये एक्चुअली रियल लाइफ में मुझसे बड़ा है और मैं इससे, हाँ मतलब 5 साल यार, हाँ 5 साल बड़ा है मुझसे। लेकिन आई थिंक मे बी बिकॉज ऑफ द शो ऑल्सो आई ट्रीट हिम लाइक माई यंगर ब्रदर, क्योंकि मैं हूँ ही वैसी, मेरी पर्सनैलिटी वैसी है। ही ऑल्सो नोज दैट आई केयर अबाउट हिम एंड आई लव हिम अ लॉट and I hope that he feels the same। उसका प्यार सुबह 9 बजे जब मैं सो रहा होता हूँ तब को तो मैं लिटरली, मुझे जैसे ही पता चलता है इसका शूट है, मैं इसको जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं इसको कॉल करती हूँ कि तू किधर है, फिर चाहे ये घर पे सो रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, लेकिन एक बात है बंदा फोन हमेशा उठाता है मेरा और हमेशा नींद में होता हूँ मैं, सो रहा होता हूँ फोन हाँ वो मारती है, मैं मारती हूँ। हाँ नहीं, बहुत बार ऐसा हुआ है कि ये रिफ्लेक्स होता है ना, मैं इसको चट से अगर मैंने ज्यादा तेज मार दिया तो उसके रिफ्लेक्स में आ जाता है। और इसको पता नहीं इसकी ताकत मुझसे ज्यादा है, तो मतलब मैंने बंद कर दिया इसको मारना। दो छोटे भाई है, दो बड़े भाई है, तो उनको ही राखी बांधना चलता था। और उसके अलावा आई थिंक मैं हर साल घर पे पापा को तो राखी बांधती हूँ, बिकॉज आई फील इट इज रक्षाबंधन, तो वो रक्षा तो मेरे पापा भी मेरे करते हैं, तो उनको मानती हूँ। मेरी छोटी बहन मुझे राखी बांधती है, तो आई थिंक मैं एक तरह से वी जस्ट प्रोटेक्ट ईच अदर एंड वी विल ऑलवेज, आई विल इवन प्रोटेक्ट हिम भले ही मैं उसको राखी बांध रही हूँ। ऑफ कोर्स आई विल। बहनों का बड़ा एक्साइटमेंट ज्यादा होता है गिफ्ट को लेकर भी, राइट? आपको भी कुछ याद है कैसे आप गिफ्ट के लिए? यार मैं पहले बहुत करती थी, फिर जब से घर पे बनाना चालू किया ना सानिया और पापा के, मैंने उम्मीद छोड़ दी, वो लोग कुछ देते ही नहीं है। देना भी पड़ता है ना। हाँ, तो आप क्या देती थी? कुछ नहीं। यार मुझे सानिया को मैंने ई गिफ्ट दिया था जब मैं छोटी थी, वो भी मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने अपने स्कूल जाती थी ना तो क्लास में सबसे 10-10 रुपए चंदा लिया था और सानिया को गिफ्ट दिया था। आप नहीं देती सानिया? सानिया को यार मैं बिना किसी फेस्टिवल के बिना किसी चीज के गिफ्ट देती रहती हूँ, तो आई थिंक वो यार हो गया। कोई ऐसी यादगार राखी चाहे ऑन स्क्रीन हो या चाहे रियल लाइफ में आपने सेलिब्रेट की, जो आपको जहन में हमेशा रखना है, कभी भूलते नहीं आप, कोई एक?
एक आई है इसके दिमाग में जिस पे जो बोलने भी नहीं वाली है। जब मैं इशारों इशारों में कर रही थी वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक सबको सेट पे राखी बांधी थी, क्योंकि वो शो में मैं छोटी भी थी, मेरे तीन भाई थे जिसमें से एक हमारा विकी था। मैं सबको राखी बांधी थी तब। हाँ, देवत्मा को मैंने राखी बांधी थी बिकॉज आई थिंक ओवर लाइक माई सिस्टर, सो मेरा ये था कि अरे तो मैंने बहुत सबको राखी बांधी थी यार वहाँ पे, तो सबसे छोटी है ना, यहाँ पे भी सबसे छोटी हूँ बट थोड़ी बड़ी हो गई। तो इतने बताया कि आपने विकी को राखी बांधा था और अब आपके साथ ही तो ये जो ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन जो चीज़ें होती हैं इसको कैसे देखते हैं? यार मैं ऐसे देखती हूँ कि कभी ऐसे एक बार में किसी को भाई नहीं बोलना चाहिए। मुझे फाइनली सीख मिली है बिकॉज यू नेवर नो कि आप उनके साथ बाद में कब काम करने वाले हो। अभी तो ऑफकोर्स आई डोंट थिंक लाइक कि ही ब्लेड माई ब्रदर और एनी थिंग, अभी तो वो सब मैं नहीं सोचती उतना बिकॉज दैट विल make me feel weird, but एक सीख मिल गई, ऐसे भाई नहीं बनाते। मैंने इसको बना लिया है, पता चला कल को मैं और तू हीरो हीरोइनों के से शो के है ना। इसने जब ये विकी की एंट्री होने वाली थी तभी इसने कहा था तुझे पता है यार मेरा भाई प्ले कर दूंगा। हां तो मुझे तो बड़ा ऑकवर्ड होता है ना, ऐसा हमें लगा था। मैं सच्ची बताऊं मुझे भी लगा था कि ऑकवर्ड होगा बट ये नहीं है, ये एक्टर की बिकॉज़ हां एक एंड ऑफ द डे आप काम कर रहे हो, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ है एंड ऐसा नहीं है कि और किसी ने ऐसा नहीं किया है। हमको एग्जांपल लेना था, वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ प्रियंका चोपड़ा एंड रणवीर सिंह इन बाजीराव मस्तानी एंड इन दिल धड़कने में। Actors life, I do. But I think they don't call each other भैया and दीदी in real life, so they're saved. यही कहूँगी यार, हमेशा खुश रहो, एक दूसरे को हमेशा प्रोटेक्ट करो, दुनिया अच्छी नहीं है वो, तो एक दूसरे का हमेशा ख्याल रखें एंड एक बस प्यार करें एक दूसरे से। और यार एक एज होती है जब भाई हो या बहन हो कोई ना कोई किसी डिस्कम्फर्ट में होता है, कोई परेशान होता है, तो ऐसे बातचीत कर लिया करो भाई बहनों से। जरूरी नहीं है कि सिर्फ दोस्त ही समझते हैं, भाई बहन भी समझते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा होकर पता लगता है पर भाई बहन समझते हैं। करो, खुल के बात करो। हाय, दिस इज सुम्बुल तौकीर, दिस इज वरुण कस्तूरिया और हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन।